चिंतामणि मागडूलकर, पुणे से आया हूँ, बिजनेस करता हूँ। पंडित जी के बारे में राजमंत्र से देखा था, सुना था उनके बारे में, पर बहुत से कार्यक्रम देखने के बाद, बहुत सालों के बाद इच्छा हुई कि पंडित जी के पास आ जाओ। पहले तो इस शो में एंटरटेनमेंट करके देखता था कि रोज पंडित जी नई नई भविष्यवाणी करते हैं, धूमधड़ाके करते हैं, मगर कभी ये बताते हैं ये सच होता है या नहीं होता है ये कभी पड़ताल नहीं था। मगर ये कार्यक्रम देखते देखते मुझे ऐसा लगा, एक दो तीन बार मैंने देखा कि यार ये पंडित जी ने पहले बोला था, जब पेपर पढ़ता था या न्यूज़ सुनता था तो उनकी भविष्यवाणी खरी उतरती हुई देखने को मिली। तो मैं ये कार्यक्रम का फॉलोअर हुआ राजमंत्र का, तो राजमंत्र मैं फॉलो करने लगा, रेगुलर देखने लगा। मैं मेरे घर में भी कई मेरी बड़ी बहन हम लोग साथ में देखते थे, देखने लगे। तो कई दिनों के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं पंडित जी के पास आ जाऊँ, उनसे कुछ बातें करूँ, मगर बहुत सा प्रयास करने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिला और पंडित जी से बात हो गई, मगर पंडित जी से बात होने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि पंडित जी मुझे सालों से जानते हैं। उनके बाद सारा बात करने के बाद उन्होंने जब मेरा कुंडली देखा और कुंडली देखने के बाद जो कब वो कुंडली पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पंडित जी मुझे सालों से जानते हैं। जो पहली पूर्व मेरा जो प्रवास है वो पंडित जी ने अतः बता दिया, जो कि जैसे हुआ था। ये बहुत अचंभित करने वाला था। एक और एक पंडित जी के बारे में मेरा अनुभव है, जिसने मेरी पंडित जी के ऊपर श्रद्धा बढ़ा दी। आज तक मैं उनका फॉलोअर था, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि ये भविष्यवाणी करते और मैं देखने के लिए अच्छा लगता था। मैं आज उनका फॉलोअर बन गया हूँ, आज मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। और ऐसा लगता है कि इस ये शिष्यवृत्ति में उनका आज मैं शिष्य हूँ।